नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया में गंगा में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मामला जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव धोरिया का है। युवक 7 दिन से घर से लापता था। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक प्रयांक गुप्ता, पुत्र मनोज कुमार गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, जनपद बरेली, जो कि 24 तारीख को बरेली की रहने वाली किसी लड़की के साथ आया था। परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की तहरीर पुलिस को दी थी, जिसमें उस लड़की द्वारा ही उनके बेटे को गंगा पुल ब्रजघाट पर खड़े होने की सूचना दी गई थी, जिसमें शनिवार शाम को पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर युवक का शव हसनपुर तहसील क्षेत्र के गाँव धोरिया में गंगा में मिला है। आप बता सकते हैं क्या हुआ? हाँ, मेरे बेटे 24 तारीख से लापता है। अच्छा, 24 तारीख से ये, और मतलब लगातार कार्रवाई कर रहे, कार्रवाई भी कुछ नहीं हो पा रही थी। अब बार बार ले गंगा जी में भेज देते। अब आज मालूम पड़ा कि साहब बॉडी मिली है इसकी, यहाँ पर पता नहीं यही है या दूसरा है, तो मालूम आमने सामना होगी तो मालूम पड़ेगी। पुलिस कोई साथ नहीं दे रही है, कोई साथ देने तैयारी नहीं हो रही। अपना स्टाफ वाला पुलिस वाला होगी। आप कहाँ से? सरौली से, सरौली जिला बरेली। अच्छा, मेरा भतीजा है। मतलब पुलिस बरेली जाते हैं तो मना कर देते हैं, मतलब सरौली जाते हैं तो, हापुड़ जाते हैं तो लड़की का नाम दर्ज लिखने को मना कर देते हैं पुलिस वाले। लड़की कहाँ की? बरेली की। बरेली की। उसी ने बुलाया है यहाँ पर, उसी ने बुलाया था यहाँ पर, कॉल वगैरह करी थी। हाँ। लास्ट कॉल भी उसी की है जी। अच्छा। पुलिस नाम लिखने तक तैयार नहीं है, मतलब नामजद करने को तैयार नहीं थी जी। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट।